प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जहां कह रहे हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो यहां पे आज के इस वीडियोस में मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं बीसीसीएली 2024 के बारे में मैं बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, देखो इसमें आपको पता है कि तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला इंग्लिश, दूसरा हो गया मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिख लो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद तीसरा नंबर पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंग्लिश है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर ऑनली, है ना। क्वालिफाइंग नेचर्स का जो है सिर्फ होता है, जिसमें आपको जो है 35 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, कितना लाना रहता है, 35 मार्क्स लाना रहता है, यानी अप्रोक्स अगर परसेंटेज अगर बात किया जाए तो 200 मार्क्स के टोटल इंग्लिश का एग्जाम्स होता है, उसमें से मात्र 35 नंबर लाना रहता है, लगभग 17-18% के आसपास आता है। तो अगर आप उतना लेकर आ जाते हैं, 35 नंबर लेकर आ जाते हैं, तो आपका रैंक जो है शो करेगा कि भाई आपका कितना रैंक हो रहा है या आपका कितना रैंक आ रहा है। ओके, उसके बाद आपका जो मेन रैंक को निर्धारित करता है वह है आपका मैथ, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहला है सॉलिड ज्योमेट्री के बाद आपका यहाँ पे आता है, पहला नंबर पे हो गया सॉलिड ज्योमेट्री, दूसरा नंबर पे हो गया लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, एंड उसके बाद हो गया कैलकुलस में तीन पार्ट आता है आपका, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, ये तीन तरीके का कैलकुलस होता है। उसके बाद चौथा नंबर पे आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मैथ्स के ये जो चार टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इतना टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मैथ्स अच्छा खासा बन जाएगा, 50 में से कम 25-30 क्वेश्चंस आप बनाने लायक हो जाओगे। और 25-30 क्वेश्चंस बनाना एक्यूरेसी के साथ अपने आप में एक महानता समझा जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे या जो लेवल देखोगे वो बहुत ज्यादा टफ होता है। आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठाकर देख लो, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग गेट लेवल का क्वेश्चंस आपका रहता है, थोड़ा बहुत ही कम लेवल रहता होगा गेट से, नहीं तो लगभग गेट के लेवल का क्वेश्चंस आता है आपका। आप एक बार पीवाईक्यू उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है मैकेनिक्स, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होना चाहिए, जिसमें इन चार टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सेकेंड प्रायोरिटीज है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप जो है फर्स्ट टॉपिक लेकर चल सकते हो फोर्स एंड रिलेटेड टॉपिक, है ना, फोर्स और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होती हैं वो। उसके बाद काइनेमैटिक या काइनेटिक यानी इक्वेशन होता है मोशन, है ना, मोशन एंड एट्स रिलेटेड टॉपिक। ओके,
और तीसरा नंबर पे वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये तीन टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे, इन तीन टॉपिक में कम से कम 4-5 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, और ये इंग्लिश जो है ये आपका VVI है ना, इंग्लिश VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी तो देनी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, और सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, लेकिन VVI है इंग्लिश। इंग्लिश जब तक 35 नंबर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे लाकर, तब तक आप मैथ में कितना भी क्वेश्चन बना लें, मैकेनिक्स में कितना भी क्वेश्चन बना लें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब ये इसकी तैयारी करें कैसे, तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको हमारे साथ ज्वाइन करना होगा। हमारा खुद का ऐप है ना, तो इंजीनियर प्लस, ऐप का नाम क्या है, इंजीनियर प्लस बाय MRS स्टडी। ठीक है, इस नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। ये ऐप कहां पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर जो है स्टोर सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। स्टोर सेक्शन में आप सर्च कीजिएगा BCC एली 2024। ठीक है, इस नाम से सर्च कीजिएगा, आपका जो कोर्स है हमारा वो कोर्स आ जाएगा। और एक प्रॉपर तरीके से हमने जो है डिजाइन कर रखा है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपका जो BCC एली का जो सिलेबस है उस पैटर्न पे मैंने कोर्स को डिजाइन कर रखा है। और हर साल लगभग 200 से 500 के करीब स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो हमारे पेड क्लासेस में हो या फिर हमारी फ्री क्लासेस हो, दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पेड क्लासेस और फ्री क्लासेस दोनों मिलाकर 200 से 500 के बीच में स्टूडेंट जो है क्वालिफाई करते हैं, और बिहार के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ओके, बात किया जाए, ये तो पेड क्लासेस के लिए हो गया, ये कोर्सेज के लिए हो गया। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, पेड क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए इंजीनियर प्लस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा अपने फोन में। आप जो वीडियो लेक्चर्स है वो लैपटॉप में भी देख सकते हो और मोबाइल में भी देख सकते हो, लेकिन जो नोट्स होंगे वो रीडेबल फॉर्मेट होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में आप उसे पढ़ पाइएगा। उसके बाद फ्री क्लासेस भी आपको मिलती है। अगर आप पेड क्लासेस मानकर चलो कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप 2200 रुपया लगाकर फॉर्म भर दीजिएगा, तो 500 से 1000 के बीच में आप कोर्स के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अगर एग्जाम नहीं निकला तो जो 2200 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है फॉर्म भरने में, वो आपका बेकार चला जाएगा। तो 2200 रुपया और 1000 आप मानकर चलो मैक्सिमम और आप लगा दिए, ऐसे हमारे कोर्स का जो प्राइस है 500 से 1000 के बीच में ही आपका आएगा, उससे ज्यादा नहीं रहता है। और कई बार ऑफर्स भी आते हैं, तो ऑफर्स में लेते हैं तो कई बार सस्ता भी पड़ता है, तो लेकिन 500 से 1000 के बीच में ही रहता है, तो एक अफोर्डेबल प्राइस है, उतना में आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि 2200 रुपए का फॉर्म भर रहे हैं। बट फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपको फ्री क्लासेस भी हमारे द्वारा दिया जाता है। फ्री क्लासेस कहाँ पे मिलता है, तो इंजीनियर प्लस बाय MRS स्टडी, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है ना, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ लैटरल एंट्री की क्लासेस होती है, लैटरल एंट्री ना, लैटरल एंट्री की क्लासेस होती है BCC एली का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, फॉर मोर अपडेट्स अबाउट द क्लासेस और कोर्सेज। अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको तीन सेक्शंस मिलेंगे जब आप BCC एली का क्लास आप लेने जाएंगे, तो तीन सेक्शंस मिलेंगे आपको, पहला 3 मंथ्स का, दूसरा 6 मंथ का, और चौथा 1 ईयर का।
ठीक है। तो आपको जो अगर आप 3 महीने का लेना चाहते हैं 3 महीने का लेकर देख सकते हैं कि कैसा मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, ओके। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं 6 महीने में हमारा हो जाएगा काम, तो 6 महीने का आप लेकर चल सकते हो। या फिर अगर 6 महीने का भी आपको लगता है कि नहीं 6 महीने में हमारा नहीं हो पाएगा, तो आप 1 साल वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे मल्टीपल वैलिडिटी के साथ। आपको जो भी वैलिडिटी वाली चाहिए 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, वो आप चेकआउट कर सकते हो और ले सकते हो। बाकी कोई डाउट्स रहता है ना, तो आप हमें कॉल कर सकते हो 7488414543। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। अगर आपको किसी तरीके का डाउट्स होता है BCCLE क्लासेस करने में, या फिर BCCA क्लासेस लेने में, या लेने के लिए आप सोच रहे हैं बट हिचक आ रही है, तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं इस नंबर पे 7488414543। हमारे जो काउंसलर हैं प्रॉपर तरीके से आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे काउंसलर पूरी तरीके से मदद करेगा। तो ये नंबर हमारे काउंसलर का है, ठीक है। तो आप उनसे जो है बात कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे है ना, वीडियोस के माध्यम से मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहता हूँ। क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, लेकिन लाइव क्लासेस आपके कब स्टार्ट होते हैं? लाइव क्लासेस स्टार्ट होते हैं मार्च में या फिर अप्रैल में, है ना। मार्च या अप्रैल मंथ में आपका जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट किया जाता है, ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो सके। लेकिन ध्यान रखना है, वंस अगेन मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, इंग्लिश 35 नंबर लाना जरूरी है। अगर नहीं लाते हैं तो फिर दिक्कत है। उसके बाद इंग्लिश के बाद आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इन 4 टॉपिक्स को कम से कम पढ़ना है, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड प्रायोरिटीज, जिसमें से इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस आपका लगभग गेट लेवल का आता है या फिर उससे थोड़ा ही कम लेवल का रहता है, लेकिन थोड़ा टफ रहता है ना। और डे पर डे कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो प्लीज वी अवेयर और ज्यादा बेचैन मत हो। आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी, बस आपका काम है जो मैं बताऊं उसको आप फॉलो कीजिए, और जहां तक मैं बोलूं वहां तक आप उसको होमवर्क कीजिए। सारी चीजें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली आपका एक अच्छे रैंक के साथ आपके कॉलेज में एडमिशन होंगे, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में। जो ब्रांच आप चाहते हैं उसी ब्रांच में आपका एडमिशन होगा, यह हमारा दावा है, बट आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ओके। तो आप जल्दी करें, ज्वाइन करें हमारे ऐप इंजीनियर प्लस के साथ। थैंक यू।